हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू मास्क रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग रियली गुड। रिएक्शन करने वाली हूँ मैं अभी फर्स्ट टाइम इनकी वीडियो पर, ये तनय की वीडियो। और जो मुझे काफ़ी दफ़ा वैसे सजेशन आए हैं कि इनकी क्रिकेट वीडियोस पर रिएक्शन करूँ, सो देखती हूँ कि कैसी वीडियोज बनाते हैं ये। सो ये वीडियो इंडिया पाकिस्तान के मैच के बाद की वीडियो है, जो पाकिस्तान और इंडिया का मैच इंडिया ने जीत लिया है और इंडिया में सब लोग बहुत खुश हैं और पाकिस्तान में सब लोग बहुत दुखी हैं इस चीज़ पर। लेकिन इस वीडियो पर लिखा हुआ नसीम शाह क्राइंग, सिराज हिटिंग रिजवान एंड रोहित फॉरगेट्स कॉइन। सो कॉन्टेक्स्ट तो कुछ समझ में आ गया कि क्या होने वाला है। सो लेट्स सी, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो कीप सजेस्टिंग मोर वीडियोस के किस पे रिएक्शंस करूँ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड लेट्स प्ले दिस वीडियो। मज़ा आने वाला है, मुझे लगता है वीडियो में थोड़ी रोस्टिंग ही होगी। और देखते हैं एंड लेट्स प्ले दिस। भाइयों इतने मजे इसीलिए भी आ रहे हैं क्योंकि कल केवल फर्स्ट इनिंग्स देखने के बाद ही पाकिस्तानी फैंस हमारे ये वाले वीडियो के नीचे कमेंट करने आ गए थे। अब पता चला इंडियंस फट गई। ओ भाईजान, हमारी तो नहीं फटी पर जो यूएसए ने आप में दरार डाल दी थी उसको हमने चीर दिया। कैसा लगा आज इंडिया? काफी अच्छा लगा भाईजान हमें तो। अपना बताएं, ये आदमी पक्का फर्स्ट इनिंग्स देखने के बाद सो गया होगा, सुबह उठा होगा तो अंडकोशी गायब हो गए होंगे नीचे से शॉक के मारे। आज के मैच के बाद फर्स्ट इनिंग देखने के बाद बाकी सबको लगा था कि पाकिस्तान जीत गया। एयरपोर्ट जाते हुए स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? और आधे से ज्यादा पाकिस्तानी फैंस तो अपने कमेंट डिलीट करके ही भाग गए मैच रिजल्ट देखने के बाद। सही में भाई, फर्स्ट इनिंग्स के बाद इमोशनल डैमेज हो गया ना, जीते हैं मजे ही आ गए। इंडियन फैंस ये तो इंडियन टीम होनी चाहिए थी, बिल्कुल ऐसे लड़खड़ाती हुई भी मजाक उड़ा लो पर असेंबली वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तान सबसे फास्टेस्ट टीम बन चुकी है वर्ल्ड कप से बाहर जाने वाली। 6 को पहला मैच था, 9 को दूसरा मैच था और वर्ल्ड कप से बाहर। इससे ज्यादा अभी दो मैच और हैं, देखते हैं। वर्ल्ड कप नहीं चल रहा, इन्होंने अपना गाला डिनर पोस्टपोन कर दिया था यूएसए से मैच कैंसिल ही कर दो। पोस्टपोन मत करो डिनर, अब कैंसिल ही कर दो, पाकिस्तान जाके करना यहाँ मेरे वाली बात हो रही है। रोहित भाई बीइंग रोहित भाई वंस अगेन टॉस कराने आए और भूल ही गए कि कॉइन तो जेब में पड़ा हुआ है। हाँ यही मैंने देखा था, जेब में सिक्का पड़ा हुआ है और पूछे हैं वेयर इज द कॉइन। टॉस टॉस तो फिर दो कॉइन। कॉइन कौन सा कॉइन यार? अरे टॉस का कॉइन जो तुम्हारे पास है रोहित भाई। कौन रोहित यार? अरे तुम रोहित यार, अभी तेरा भी मेमोरी प्रॉब्लम नहीं है। सिक्का पड़ा ये भूल जाता आदमी, मेरे को नहीं कराना यार टॉस। वो बेचारा नसीम शाह रोने ही लगा मैच के बाद। यार ही इज वेरी इनोसेंट, उसने बहुत कोशिश की। मैच हार गए इसलिए नहीं रो रहा था, न्यूयॉर्क में बढ़िया होटल का खाना मिल रहा था, अब वही पाकिस्तान जाकर फिर से आटा टमाटर के लिए रोना। नहीं पर कुछ भी बोलो, बाबर आजम और रिजवान से तो अच्छी बैटिंग करी थी भाई ने, एग्जैक्टली सबसे अच्छी करी थी। कल तो रोतेला जी का ही दिन था, इधर से पंत ने परफॉर्मेंस कर दिया, उधर से नसीम शाह ने। मुझे तो एक बात समझ में आ रही, कल जब रोहित भाई ने फर्स्ट ओवर में सिक्स मारा तो बारिश हो गई और फिर जब हमारे लगातार विकेट गिरने लगे तो धूप निकल आई। जादू भोसले के तेरे से ज्यादा देर बैठते नहीं बना बोरी में, धूप धूप जादू आगे रखा हुआ था। कल के कैंपेन कहाँ देख रहे हैं, उम्मीद छोड़ दें या अभी उम्मीद बाकी है? यार मैंने तो छोड़ दिया। तोता है तो दिल कभी जलता। फर्स्ट इनिंग्स देखने के बाद हम इंडियंस को सदमा ही लग गया था, स्पेशली लास्ट के 5 ओवर में तो हम पागल ही हो गए थे सोशल मीडिया पे। हमने संजू सैमसन, जयसवाल, केएल राहुल और भी 136 इंडियंस को याद कर लिया होगा। exactly. कोई तो और पाकिस्तान ने समझ लिया था हम जीत गए हैं बस। पर फरिश्ता तो पहले से ही टीम में था। बूम बूम बुमराह, बुमराह भाई की ये बॉलिंग देख के लड़कियां तो भाई साहब इनको पप्पी दे ही दो और लड़के भी इनको पप्पी दे दो। काम ही ऐसा किया भाई ने, बुमराह भाई को जो चाहिए दे दो। मैं तो कहता हूँ चांद पर घर, राष्ट्रपति भवन, जैकलीन फर्नांडिस और मलाइका अरोरा का आइटम सॉन्ग कोलैबोरेशन में जो मांगता है दे दो। क्योंकि 19 नवंबर के बाद अगर कल कोई अनहोनी हो जाती ना तो आधे भारत को कोई डिप्रेशन में से नहीं निकाल पाता। बुमराह ये वीडियो मैंने देखी है बच्चे वाली में आ गए थे। पर रोहित और कोहली भाई को पता था कि पाकिस्तान के लिए इतना ही टारगेट काफी है। मैच के पहले ये दोनों की बातें भी हो गई है लगता है। पाकिस्तान का वो कर देंगे यार। वो क्या? अरे एक तरफा हरा देंगे यार, टू ओवर में मिलके इतना मारेंगे ना ओपनिंग में। अबे साल में एक दो बार तो पाकिस्तान हमारे हत्ते लगती है, इनके पूरे मजे लेते हैं। लास्ट टाइम किया था ना, जैसे लास्ट तक पूरी होप देंगे कि तुम लोग जीत रहे हो और लास्ट में जाके रुला देंगे। कसम से ऐसे जो तड़पा तड़पा के मैच जीतने का मजा है ना, वो ऐसे वन साइडेड हराने में नहीं है। पैंच आइडिया वैसे बाकी मजा इसी तरह के मैच का होता है, वो जो एंड तक जाए। थोड़ा भूल जाता हूँ यार मैं नाम वाम रमेश।
और सही में भाई, इंडिया पाकिस्तान के मैच में जैसे ही विन प्रिडिक्टर 100 बोलने ही वाला होता है पाकिस्तान की साइड से, इंडियन टीम एंड टाइम पर पाकिस्तान को बोल देती है इट्स अ प्रैंक, कैमरे में देख के हाथ हिला दीजिए, आपके साथ एक छोटा सा मजाक हुआ। बाकी प्रिडिक्शन कहां से कहां जाइए नजरों के सामने। जो पाकिस्तानी फैंस कल आधा मैच फर्स्ट इनिंग्स देख के ही सो गए, सुबह उठे होंगे तो उनको अभी 7-8 दिन तो लगेंगे समझने में कि हुआ क्या उनके साथ। और जब रोहित भाई से मैच के बाद पूछा गया तो उन्होंने भी ये बोला कि जब हम लोग हग दिए तो वो भी तो हगी सकते हैं, नहीं मतलब ऐसे हगना वगना नहीं बोला, इंग्लिश में बोला था। आई टोल्ड बॉयज इफ अवर बैटिंग कैन कोलैप्स देयर कैन टू। सही में भाई, पाकिस्तान की हमेशा से आदत रही है इंडिया को कॉपी करने की। इन्होंने बोला तुम गंदा खेले हो तो हम उससे भी गंदा खेल के दिखाएंगे। मैं आपके चरण छू करके आपसे क्षमा मांगता हूँ नट्टू भाई, मैं आपको साष्टांग दंडवत प्रणाम करके सॉरी करता हूँ, आपका सॉरी कुछ भी नहीं है। सिराज भाई बेचारे को लग गई थी थोड़ी सी बैटिंग के टाइम रन लेने वक्त, भाई ने सितोलिया खेलना ही शुरू कर दिया रिजवान के साथ, ये थ्रो मार के बॉल ठाए से मैजिकल वर्ड्स बोल दिए, 15 रुपए जीपे कर दूंगा, गुस्सा ही शांत हो गया रिजवान का तो। तेल लगाओ डाबर का, विकेट लो बाबर का, तो ये सब चीजें सर और इंटरेस्टिंग बनाती है क्रिकेट को मेरे को लगता है। न्यूयॉर्क में भी अब ये नारा बहुत ही फेमस हो गया है, तेल लगा के डाबर का काम मिटा दो बाबर। ऋषभ पंत भाई भी हमारे बाबू राव से इंस्पायर होके बैटिंग करने आ गए थे, राइट मार रहे थे, लेफ्ट जा रही थी, लेफ्ट मार रहे थे, राइट जा रही थी। हाँ, बट फिर भी ही वाज बेटर देन सो मेनी। था इनकी बैटिंग देख के हार्दिक भाई बैटिंग कल किसी से भी सही नहीं हो रही थी। इनके सारे नींबू मिर्ची काम करते पाकिस्तान के सामने, कल तो अलग ही स्वैग में थे भाई साहब, ऐसे लटके झटके मार रहे थे हार्दिक भाई, और एक्सप्रेशन तो ओए होए फुल ऑफ कॉन्फिडेंट था हार्दिक पांड्या कल। भाई मैंने तुमको बोला था ना इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में जीतने का मौका स्टेक से अच्छा कहीं नहीं मिल सकता। अब कल ही एक सब्सक्राइबर ने एक प्रिडिक्शन दिया, क्या अनोखा प्रिडिक्शन दिया कि लास्ट मैन स्टैंडिंग सिराज होगा, यानी कि वो नॉट आउट जाएगा इंडियन टीम से। अब इतने विकेट जाने के बाद ये गैस करना कितना ज्यादा इजी था, पर फिर भी उसको मिले 16 odds, यानी कि 1000 rupees इन्वेस्ट करते तो 16,000। अगर अभी तक तुम लोगों ने स्टेक पर रजिस्टर नहीं किया तो क्या यार कोई बचा है मेरे दोस्त, और बैटिंग ऐप है कमेंट में दिया हुआ, जल्दी से जाके चेकआउट कर लेना। प्रमोशन ऑफ वेबसाइट इन आवर वीडियोस इज स्पेसिफिकली टारगेटेड टुवर्ड कंट्रीज वेयर इट इज लीगल, विजिटर मस्ट बी 18 प्लस ऑफ एज टू प्रोसीड। ऋषभ पंत जाकुरा के साइयां मार सके न कोई, कल ऋषभ भाई का अलग ही इंडिकेटर ऑन था भाई, लेफ्ट मार रहे थे तो राइट जा रही थी, राइट मार रहे थे तो लेफ्ट, कहीं तो जा रही थी। ऑर्डर टुडे, हे प्रभु हे पंत अक्षर हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी, ये क्या हुई, ए गेंद क्यों जा रही हो झाड़ में, आ जाओ सीधा घुस जाओ। यार चीकू भैया से बाहर की बॉल मत छेड़ो यार, डर लग रहा है, मतलब इनको बोलने दो स्ट्राइक रेट के बारे में जो बोलते हैं, आप ऐसे मत करो यार। कैप्टन डोंट डू एनीथिंग रिस्की, वी आर 5 wickets down। ऋषभ पंत ओके कैप्टन, मेरे को 5-6 बार तो ऐसा लगता है ऋषभ भाई स्टंप्स में ही घुस जाएंगे पूरा अंदर जाके। अक्षर पटेल बीइंग आस्क्ड टू कम, ऋषभ पंत गिरते भी बहुत है, अक्षर पटेल को लगा 1 down भेज रहे हो क्या, पता चला 2 निपट गए। रोहित शर्मा इट्स अ ट्रिकी पिच प्ले केयरफुली, ऋषभ पंत हैं सुनाई नहीं दिया हैं, टू बेस्ट फिनिशर्स ऑफ दिस जनरेशन, ओहो पर दोनों को ही नहीं खिला रहे हम लोग। युवराज सिंह हां वैसे अच्छा वो गए हुए थे, रिंकू सिंह और दूसरा कौन था, उससे कंपेयर किया तो उसकी गान में ये बैट घुसा दूंगा, सॉरी यूवी पाजी सॉरी। रिंकू सिंह कीजिए बैटिंग, बैटिंग कीजिए बैटिंग, बैटिंग अहुला बैटिंग, मैं भी थोड़ा एक्साइटेड हो गया हूं भैया, इंडिया की जीत के बाद थोड़ा कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मैं सूर्य कुमार यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कभी वर्ल्ड कप में रन नहीं बनाऊंगा, ओहो हां ये मैंने सुना है था, चल रही भैया। हार्दिक पांड्या इन आईपीएल 2024, हार्दिक पांड्या इन टी20 वर्ल्ड कप 2020 हीरो बनने ले, लड़ाई झगड़ा चाह मुरा तू पहले गले मिल हार्दिक, रोहित भाई ने बहुत दिनों बाद हार्दिक भाई की पप्पियां मेंटल हेल्थ संभाल ली, सच में बुमराह भाई 19 नवंबर को जो हादसा हुआ था उसके बाद हम तो डिप्रेशन में चले जाते कल, अरे दूसरा तो डिप्रेशन में चले गए हैं ना, की जनता को डिप्रेशन में जाने से बचाया अकेले बूम बूम भाई ने, रोज का है पाकिस्तान को हराना है, हार्दिक भाई का एटीट्यूड देख रहे हो तो ऑल आईज ऑन PKMKB, ये सही था ना बुमराह भाई, पाकिस्तान को कहीं अच्छी जगह ले जाते हुए, कुछ ज्यादा ही अच्छी जगह लग रही है। सारा तेंदुलकर वो होता तो संभाल लेता, शुभमन गिल मस्ती करते पकड़ा गया, बाबर आजम गार्डन में मस्ती करते हुए पकड़ा गया, रोहित भाई को पेलना तो था ही। पंत गिव्स अ हार्ट अटैक टू बोथ द टीम्स, ये अपोजिशन को भी हार्ट अटैक दे देते और खुद की टीम को भी। अश्विन अन्ना
वेरी वेल डन, बुमराह ने दिया रियल हार्ट अटैक। नहीं करता, मेरी फटी पड़ी है इस बहन की लोली न्यूयॉर्क की पिच को देख के। ये न्यूयॉर्क की पिच ऐसी है भाई, कभी भी किसी भी टीम को हरवा सकती है यार। गिव मी फ्रीडम, गिव मी फायर, गिव मी सीएसके जर्सी और आई विल रिटायर। नहीं जट्टू भाई, नहीं प्लीज यार, जीरो पे। हां जडेजा जीरो पे आउट। मतलब कल टीम ने एक बार भी नहीं सोचा होगा कि जट्टू भाई को टू डाउन भेज दे, अक्षर पटेल ही आया होगा दिमाग। ऋषभ पंत थ्रिल के लिए जिंदगी दांव पे लगा दी, ये तो फिर भी क्रिकेट है। पंत भाई नहीं डर रहे जिंदगी से, जिगरा झाटों के बीच दबा के रखेगा तो कुछ नहीं होने वाला। पंत भाई कुछ ज्यादा ही जिगरा नहीं आ रहा। पंत बैटिंग इज नॉट फॉर हार्ट पेशेंस, कल आधे से ज्यादा मीम्स पंत भाई पे बने, इनकी जो बैटिंग थी ना कुछ ज्यादा ही तूफानी थी। ना डरे ना विकेट, और ऋषभ पंत बहुत दफा बैट भी उनसे छूटता है, गिरते भी हैं। थैंक्स वाचिंग शिवम दुबे परफॉर्मेंस, ए साला ये तो अलग है, फ्रॉड चल रहा है। 8GB वालों को पूरा मैच दिखने मिल जाए इसलिए मैच 12 बजे तक शिफ्ट करवा दिया। देख रहे हो जय शाह भाई, से ज्यादा चिंता कोई तुम्हारी कर सकता है? हमारे फैंस आपस में बहुत लड़ते हैं, आज दोनों को रुलाते हैं, दोनों ही रन नहीं बनाते, ऐसे यूनाइट किया जाता है फैंस को। नी वॉचिंग स्कोर, ये क्या बकचोदी है। सूर्य कुमार यादव हर बार सूर्य भाव अगेंस्ट पाकिस्तान, सूर्य भाव अगेंस्ट युगांडा लोढ़ा लहसुन। सेम फीलिंग रिंकू भाई, सेम फीलिंग हमें भी लग रहा था, आप उधर क्या कर रहे हो ब्लू जर्सी में, क्यों नहीं हो। खैर यार आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाकी से तबाही मचाते। ओके सो अच्छी वीडियो थी, मैं फर्स्ट टाइम देख रही थी इनकी वीडियो, और अच्छा अच्छा करते हैं, थोड़ा सा रोस्टी है एक किस्म का, और मुझे मजा आया देखकर वीडियो, इट वाज अ वेल गुड वीडियो। लास्ट में कुछ मीम्स थी, और ये डिप्रेशन की बात हो रही थी कि डिप्रेशन में इंडिया चलता है, लेकिन डिप्रेशन है पाकिस्तान तो चला ही गया, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। अभी दो मैचेस हैं पाकिस्तान के और इंडिया के भी हैं, सो देखते हैं कि क्या होने वाला है। और मजीद मुझे सजेस्ट करें कि इस पर रिएक्शंस करूं, और थोड़ा सा ये इसे सही बात किया है कि लोगों को इसमें से बाहर निकलने में थोड़ा सा टाइम लगने वाला है। सो सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, एंड कीप सजेस्टिंग मी मोर वीडियोस, कोई भी टॉपिक हो सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।